नमस्कार दोस्तों, मैं प्रियंका। मेरा चैनल किचन का खाना में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट मूंग की दाल। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको इस रेसिपी का लिस्ट लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं वीडियो। मूंग की स्वादिष्ट दाल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक बाउल में 100 ग्राम मूंग की दाल और हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और हम इसे अच्छे से धो लेते हैं और हम इसमें से पानी को अलग कर लेते हैं और हम इसमें एक ग्लास साफ पानी डालेंगे और इसे 15 मिनट भीगने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद हम इसमें से पानी को अलग कर लेते हैं और हम यहाँ पर लेंगे एक कुकर और हम इसमें डालेंगे भीगा हुआ दाल और बारीक कट किया हुआ एक मीडियम टमाटर और हम इसमें डालेंगे कुछ लहसुन बारीक कट किया हुआ और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और हम इसमें डालेंगे एक चौथाई चम्मच मिर्च पाउडर और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक और दो ग्लास पानी और हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। और आप देख सकते हैं कुकर में एक प्रेशर या एक सीटी आ गया है, तो हम एक और सीटी आने देंगे। और आप देख सकते हैं कुकर में दूसरा सीटी भी आ गया है, तो हम गैस ऑफ कर देते हैं और कुकर को 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही स्वादिष्ट मूंग का दाल बनकर तैयार है और ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक फ्राई पैन और हम इसमें डालेंगे 2 छोटा चम्मच तेल और हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा हींग और हम इसमें डालेंगे 2 लाल मिर्च और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और हम इसे दाल में डालेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा फ्राई मूंग दाल बनकर तैयार है और ये दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है और खाने में और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। तो आप भी इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और कमेंट पर ज़रूर बताएं कि आपका दाल कैसे बना। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।